हाई एवरी वन मई नेम इस जानवी एंड टुडेज वीडियो इज अबाउट द बे कोर्सेज ऑफर्ड इन सेंट जेवियर्स कॉलेज उस टाइम पे मैं खुद आई नो इट कैन गेट कन्फ्यूजिंग वेबसाइट पर सब लिखा हुआ है बट इट स्टिल केन गेट कन्फ्यूजिंग एंड आई माई सेल्फ डिट अंडरस्टैंड टिल द टाइम आई वॉज इन कॉलेज इट सेल्फ सो एंड इसमें क्या होता है कि जेवियर्स अलग बात है नॉट बट इन जनरल आप एक बार कॉलेजेज में कोर्स सिलेक्ट कर देते हैं फिर उसको चेंज करना कभी कभी इंपॉसिबल हो जाता है स्पेशली अगर आप ऑनलाइन भर रहे हों तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड बिफोर यू फिल योर कोर्सेज एंड बी श्योर दैट यू वॉन्ट टू ऑल दो सेंट जेवियर्स में माई मेरे टाइम पे जो वाइस प्रिंसिपल थे शी वॉज ओपन अबाउट इट एंड शी सेड कि अगर आपको लग रहा है कि आपको एक कोर्स में बैठना है और आपको बाद में जज करना है कि ओके आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस और नॉट सो शी यज़ टू गिव दैट बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन ऑल सब्जेक्ट्स बिकॉज उसमें ये होता है कि सम सब्जेक्ट्स में लिमिटेड कैपेसिटी होती है और बहुत सारी डिमांड होती है जैसे साइकोलॉजी है तो उसमें बहुत सारे लोगों को लेना होता है बट सीट्स लिमिटेड होती है सो दैट्स वाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वेन यू मेक योर सब्जेक्ट सिलेक्शन ओके एंड पॉसिबल हो तो पहले से ही आप फिक्स्ड सब्जेक्ट्स रखें uh, और दूसरी कॉलेज जैसे मैं मिठी भाई में थी एंड मैंने गलती से गलत ऑप्शन चूज़ किया था uh, तो आई वॉज मुझे चेंज करके दिया uh, गुजराती से फ्रेंच चेंज करके दिए सॉरी uh, मुझे चाहिए था फ्रेंच उन्होंने हिंदी चेंज करके दिया बट दे व फ्रेंच में सीट्स आर फुल एंड ऑल्दो आई वॉज अ स्कूल टॉपर इन फ्रेंड आई कुंड टेक इट इन माई ट्वेल्थ दिस विच कुन सो मच मोर स्कोरिंग सो ट्राई टू नॉट मेक दोज काइंड ऑफ मिस्टेक्स सो आई मोट एक्सप्लेन दीज थ्री ग्रूस टू यू फ्रॉम द वेबसाइट सो ह्योर ओके आई होप यू कैन सी नाउ यहाँ पर ग्रुप ए में ये सब्जेक्ट्स दिए गए हैं इको पॉलिटिकल साइंस साइकोलॉजी सोशोलॉजी आप इन जनरल ये दूसरी कॉलेज को समझने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं सो so, ह्योर ये आपको हर एक ग्रुप में से एक सब्जेक्ट चूज़ करना है ओके okay? तो मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल साइकोलॉजी लिया था सोशोलॉजी लिया था और हिंदी uh, लिटरेचर लिया था मेरी एक फ्रेंड थी उसने साइकोलॉजी लिया था एंशंट इंडियन कल्चर लिया था और एंथ्रो लिया था अब नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू फॉर एग्जाम्पल आपको इको भी चाहिए और साइकोलॉजी भी चाहिए आपको दोनों चाहिए ही लेकिन तो फिर आपको क्या करना है साइकोलॉजी ग्रुप ए में लिखना है ग्रुप बी में फॉर एग्जाम्पल सोशोलॉजी लिखना है और ग्रुप सी में आपको इकोनॉमिक्स लिखना है सो यू विल गेट बोथ फॉर एग्जाम्पल आपको सोशलॉजी चाहिए और एनशियट इंडियन कल्चर भी चाहिए तो आपको ग्रुप ए में सोशो चूज़ करना है फिर आप साइकोलॉजी नहीं ले पाएंगे अगर आपको चाहिए या पॉलिटिकल साइंस नहीं ले पाएंगे हर ग्रुप में से आप एक ही सब्जेक्ट ले पाएंगे तो यहाँ पर आप सोशलॉजी ले पाएंगे उसके बाद आप यहाँ से फॉर एग्जाम्पल एंशियंट इंडियन कल्चर ले पाएंगे और यहाँ पर आपने एंथ्रो लिया है ओके okay, नाव uh, ये जो स्टार्स हैं वो फुल मेजर्स यानी सिंगल सब्जेक्ट फुल मेजर का मतलब ये होता है आई एक्सप्लेन दैट टू यू फुल मेजर्स का मतलब होता है कि uh, आपको छ पेपर थर्ड ईयर में राइट right, uh, छः पेपर ऑल द सिक्स पेपर्स आर सपोज टू बी दैट सेम सब्जेक्ट जैसे साइकोलॉजी में आई हैड ऑल द सिक्स पेपर्स इन माई थर्ड ईयर सिक्स सब्जेक्ट्स फॉर ऑल साइकोलॉजी ओके नाउ वट आई नीड यू टू डू इज टू अंडरस्टैंड दैट इन डबल मेजर्स इट मीन्स कि थ्री पेपर साइकोलॉजी के होंगे और थ्री पेपर फॉर एग्जाम्पल सोशियोलॉजी के होंगे राइट right? बट uh, इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ कॉलेजेस जैसे एम के लिए आपको uh, छः पेपर साइकोलॉजी डिमांड करती हैं तो अगर आपके पास सिर्फ तीन पेपर होंगे और आपको एम ए काउंसिलिंग साइकोलॉजी करना है तो शायद आपको वो लोग नहीं करने देंगे इंडस्ट्रियल में फॉर एग्जाम्पल करने देंगे तो आपको एम में क्या लेना है उसके बेसिस पर आपको थोड़ी ऐसे सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं यानी इट मीन्स दैट यू कान चूज़ सब्जेक्ट्स विच डोंट हैव Uh, मतलब आप सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसा सब्जेक्ट चूज़ कर लिया यहाँ पर जैसे मैंने से साइकोलॉजी चूज़ कर लिया सोशोलॉजी uh, चूज कर लिया और इकोनॉमिक्स चूज़ कर लिया ओके ना वॉट हैपन्स हियर इज़ दैट इन साइकोलॉजी मैं मेरा फुल मेजर हो सकता है पर वहाँ पर क्या होता है कि सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं यू डोंट हैव मोर देन जस्ट अ फ्यू सीट्स एंड तो आपको एज एन ऑप्शन आपको सोशलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स लेने ही पड़ेंगे अगर आप तीनों जगह पर कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट्स लेंगे जहाँ पर लिमिटेड सीट्स है तो एक रिस्क हो जाता है कि यू माइट नॉट गेट इन टू इधर ऑफ देम तो टीचर्स यूजली प्रेफर करते हैं बिफोर गिविंग यू सब्जेक्ट कॉम्बो कि यू गेट सच सब्जेक्ट्स की जैसे सोशलॉजी है आपने साइकोलॉजी लिया है तो uh, जैसे मेरे केस में uh,

तो उसमें आपको ये सोचना पड़ेगा सो दैट इज़ वो वाइस प्रिंसिपल देखते हैं कि किस प्रकार की सीट्स है आपके पास टीवाई में तो अभी आपको क्या देखना है कि आपको सोचना है कि मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है तो मुझे फुल मेजर साइकोलॉजी में चाहिए ओके आई वांट अ साइकोलॉजी फुल मेजर एंड नाउ इफ़ यू चूज साइकोलॉजी विद एंड एंशंट इंडियन इंडियन कल्चर एंड देन इफ़ यू चूज समथिंग लाइक हिस्ट्री यू कान डू दैट क्योंकि साइकोलॉजी आपको ये देखना है कि फॉर एग्जाम्पल आपको साइकोलॉजी में फुल सीट नहीं मिली ओके okay? आपको सपोज साइकोलॉजी पढ़ना ही है तो आप ऐसा सब्जेक्ट चूज कीजिए जो साइकोलॉजी के साथ कॉम्बिनेशन में हो ओके नाउ लेट्स जस्ट सी इफ कॉम्बिनेशन है या नहीं ओके okay, यहां पर नहीं बताया है कि आई विल टेल यू ऑन माय ओन तो साइकोलॉजी जैसे साइकोलॉजी और एंशियट इंडियन कल्चर का कॉम्बिनेशन नहीं है यू कांट डू अ डबल मेजर इन साइको एंड एंशियट इंडियन कल्चर सो फार बिकॉज वो कॉलेज नहीं ऑफर कर रही है बट साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में होता है मेरे टाइम से साइकोलॉजी और इंग्लिश साइको और इको साइक इको भी शुरू हुआ था तो so इसमें रिक्वायरमेंट ये होती है कि इफ यू हैव इनफ स्टूडेंट्स देन दे विल अलाव यू टू डू दैट राइट नाउ योर फोकस शुड बी टू चूज द टॉपिक्स दैट यू फॉर श्योर वॉन्ट टू स्टडी इन योर टी वी वो ओके ना यू वॉन्ट टू फॉर श्योर स्टडी इको दैन मेक श्योर देट यू चूज ईको बट आप ऐसे सब्जेक्ट के साथ चूज करिए जिसके साथ ईको का कॉम्बिनेशन हो सके ओके okay? सो so, जैसे पोलिटिकल साइंस है वो लोग एज फार एज आई नो दे डोंट ऑफर पार्ट मेजर्स एट ऑल तो अगर आपको पॉलिटिकल साइंस करना है तो आप ये नहीं सोच के जा सकते कि मैं पॉलिटिकल साइंस में मैं डबल मेजर्स करूँगा बिकॉज दे डोंट ऑफर दैट इको में अगर डबल मेजर्स वो लोग ऑफ़र करते तो आई बिलीव इको कॉमर्स में ऑफ़र करते हैं उसके अलावा इको और साइकोलॉजी um, में मेरे साल से शुरू किया था बट दिस कैन ऑल्सो चेंज एवरी ईयर क्योंकि अगर उनको इनफ स्टूडेंट्स नहीं मिले तो वो लोग वो प्रपोजल को रिजेक्ट भी कर लेंगे ठीक है um, उसके अलावा आई बिलीव यस इको कॉमर्स है इको साइकोलॉजी है मेरे साल में हुआ था साइकोलॉजी और सोशोलॉजी ये दोनों भी सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है डबल मेजर्स में सो बी श्योर दैट यू चूज योर सब्जेक्ट्स इन दैट वे आई होप दैट यू अंडरस्टूड वॉट आई सेड टू समराइज इट्स जस्ट सिंपल ए बी और सी ग्रुप्स जो हैं आपके वेबसाइट पर उसमें से आपको हर ग्रुप में से एक सब्जेक्ट चूज करना है ओके okay? नाउ आपको जो भी सब्जेक्ट में मेजर करना है फॉर एग्जाम्पल मुझे साइकोलॉजी में मेजर करना था ओके नाउ आई नो कि साइकोलॉजी में सिर्फ 24 सीट है और फर्स्ट ईयर में 100 से ज़्यादा लोग तो आते ही हैं तो आई नीड टू बी सिक्योर्ड कि भाई एट एनी कॉस्ट आई डोंट वॉन्ट कि मुझे साइकोलॉजी एक भी पेपर ना मिले तो अगर मैंने साइकोलॉजी आप देख लीजिए यहाँ पे ग्रुप ए में मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी एंशियन इंडियन कल्चर और हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन ले लिया होता तो सपोज़ मुझे साइकोलॉजी में सीट नहीं मिलेगी तो या तो मुझे एशियन इंडियन कल्चर करना पड़ेगा फुल मेजर्स या तो हिस्ट्री करना पड़ेगा इसलिए लेकिन अगर मैंने सोशोलॉजी लेके रखा है तो अगर सपोज़ मुझे फुल साइकोलॉजी में सीट ना भी मिले तो भी मैं साइक सोशो कर सकती हूँ तीन पेपर तो एटलीस्ट मिलेंगे और विथ थ्री पेपर्स आई कैन स्टिल बी एन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट सो आई होप दैट दिस इज़ क्लियर टू यू मेक श्योर दैट यू नो एंड जितने कॉम्बिनेशन मुझे पता है दैट आईव टो डू uh, जिन प्रकार में डबल uh, मेजर्स होते हैं आई बिलीव स्टैटिस्टिक्स में दो तो है सो ओनली डबल मेजर्स अवेलेबल है जिसमें दो स्टार किए गए हैं जैसे स्टैटिस्टिक्स में फुल मेजर्स नहीं होता है कॉमर्स में फुल मेजर्स नहीं होता है एंथ्रो में फुल मेजर्स नहीं होता फ्रेंच और हिंदी में तो डबल मेजर्स भी नहीं होता वो सिर्फ सेकेंड ईयर तक के सब्जेक्ट्स हैं और ये सब्जेक्ट्स को आपको इसलिए चूज़ करना है क्योंकि सबसे पहले आप जब कॉलेज में जाएंगे तब तो आपके पास तीन सब्जेक्ट्स होंगे जो आप फर्स्ट और सेकेंड ईयर में ये तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे और उसके बाद थर्ड ईयर में आप कोई भी एक सब्जेक्ट या कोई भी दो सब्जेक्ट में स्पेशलाइज करेंगे तो तो इसमें आप फर्स्ट ईयर में जैसे मैंने साइकोलॉजी सोशलॉजी और हिंदी लिया हुआ था राइट right? तो मैं थर्ड ईयर में हिंदी नहीं पढ़ सकती सो आई कान डू साइक हिंदी आई कान बट आई कैन डू साइक सोशो आई कैन डू फुल साइकोलॉजी और आई कैन डू फुल सोशोलॉजी ओके सो ये जो तीन स्टार वाले नंबर्स हैं फ्रेंच और हिंदी बेसिकली फ्रेंच और हिंदी थर्ड ईयर में नहीं अवेलेबल है उसके अलावा कॉमर्स एंथ्रोपोलॉजी स्टैटिस्टिक्स Uh, ये तीन जो सब्जेक्ट्स हैं वो सिर्फ हाफ मेजर यानी सिर्फ तीन पेपर अवेलेबल है आपको अगर चाहिए कि नहीं मुझे छः पूरे छः पेपर सिर्फ एंथ्रो पढ़ना है दैट इज़ नॉट पॉसिबल एंड ऑल दिस विथ वन स्टार ओके योर इको पॉलिटिकल साइंस सोशलॉजी साइकोलॉजी एशियन इंडियन कल्चर इंग्लिश एंड हिस्ट्री ये आपको फुल मेजर्स में भी मिलेंगे और इनमें से कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको ऑलमोस्ट uh, सारे सब्जेक्ट्स ऐसे जो आपको डबल मेजर्स में भी मिलेंगे बट पॉलिटिकल साइंस कि जो डिपार्टमेंट है देव डिसाइडेड दट दे डोंट वॉन्ट टू मेक इट अ डबल मेजर एट ऑल सो दे आर नॉट कोलेबरेटिंग विद अदर डिपार्टमेंट्स एंड इट्स अ फुल सब्जेक्ट आई होप दैट इज क्लियर दिस इज क्लियर एंड इसके अलावा जो भी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं यानी एक कंपल्सरी लैंग्वेज तो इंग्लिश है ही स्पेशल कोर्स कंपल्सरी है ही और हिंदी और फ्रेंच इन दोनों में से एक कंपल्सरी लैंग्वेज तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर हिंदी लिटरेचर लिया है सो दैट इज हिंदी लिटरेचर दैट इज़ नॉट माई कंपल्सरी हिंदी तो वो दोनों अलग होगा सो यू कैन हैव बोथ द हिंदी इज इन या कॉम्बिनेशन आई होप made myself clear and i hope that this video helps all the best i hope that you get your subject choice that you want and you like uh, and you can use this for other, to understand subject combinations in any other colleges too thank you